और इधर उत्तर प्रदेश के सहारनपुर में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने विपक्ष पर आज जमकर वार किया। पीएम ने कहा कि विपक्ष की लड़ाई शक्ति के खिलाफ है, हम लोग शक्ति उपासना करते हैं। साथ ही भ्रष्टाचार के खिलाफ भी पीएम ने हुंकार भरी। पीएम मोदी ने कहा कि हमारा संकल्प भ्रष्टाचार हटाने का है, लेकिन विपक्ष कहता है कि भ्रष्टाचार बचाओ। देश में इस वक्त एक ही पुकार है, 4 जून 400 पार। इंडी अलायंस के लोग खुलेआम चुनौती दे रहे हैं कि उनकी लड़ाई शक्ति के खिलाफ है, और जिन जिन लोगों ने शक्ति को नष्ट करने का प्रयास किया है उन सबका क्या हाल हुआ है वो इतिहास में पुराणों में अंकित है। सपा की स्थिति यह है कि यहां हर घंटे उसे अपने उम्मीदवार बदलने पड़ रहे हैं। ये लोग उम्मीदवारों तक का फैसला नहीं पाला रहे, ये भ्रष्टाचारी एकजुट होकर मोदी को धमकी दे रहे हैं। उनका कमीशन कहता है भ्रष्टाचारी बचाओ, लेकिन मेरे प्यारे देशवासियों, ये मोदी है, पीछे हटने वाला नहीं है। कांग्रेस के घोषणा पत्र में पूरी तरह मुस्लिम लीग की छाप है, और इस मुस्लिम लीग वाले घोषणा पत्र में जो कुछ हिस्सा बचा खुचा रह गया उसमें वामपंथी पूरी तरह हावी हो चुके हैं। कुल मिलाकर कांग्रेस इसमें दूर दूर तक नहीं दिखाई देती है। ऐसी कांग्रेस 21वीं सदी में भारत को आगे नहीं बढ़ा सकती। एबीपी न्यूज़ आपको रखे आगे।